हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप टर्म टू की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और टर्म वन आपने बहुत अच्छी तरीके से फोड़ा होगा। सो इससे पहले आपको मैंने कार्बन कंपाउंड करवाया है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एक बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। आपके स्कूल बुक में, टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नेम से है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे दो पार्ट्स में ही ख़त्म करें। आज का ये पहला पार्ट होगा और इसके बाद दूसरा पार्ट, दो पार्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 to 2 आवर्स की वीडियो में ही हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे विद द फुल एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। बहुत ही ज़्यादा आपको इससे हेल्प होने वाली है। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इसमें नो रिडक्शन है। इस चैप्टर में नो रिडक्शन है। कार्बन कंपाउंड में हम लोगों ने रिडक्शन देखी थी बट इस चैप्टर में थोड़ी भी रिडक्शन नहीं है। और ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, अगर समझ में आ जाता है आपको तो ये आपके लिए पूरी तरह से हलवा चैप्टर हो जाएगा। सो इस चैप्टर का आपको कंसेप्ट विजुअलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चैप्टर आज मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विद द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जब चैप्टर में आते हैं तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एक डेफिनेशन। तो मैंने उस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया है, या फिर बोलो वही डेफिनेशन है, ठीक है। क्या होता है रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू यंग वंस बाय देमसेल्फ और ओन काइंड। यानी कि वो क्या करते हैं, खुद से न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो कि ये है एक बॉय चिंकू, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, एक बॉय है, एक इसका नाम चिंकू है, और ये एक गर्ल है, इसका नाम है मिंकू, ठीक है। ये दो हो गए, ठीक है, चिंकू एंड मिंकू। अब क्या करते हैं, ये हो गए चिंकू के फादर और मिंकू के फादर, मिंकू के भी फादर, ये चिंकू की मदर और ये मिंकू की मदर, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है, अब देखो ये जो हम दोनों देख रहे हैं, ये चिंकू मिंकू, ये इनके दोनों के प्रोजेनीज है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन दोनों के, या सिर्फ चिंकी सिर्फ पापा के हैं या फिर सिर्फ चिंकू सिर्फ मम्मी के, ऐसा नहीं है। सो दोनों के ही कॉम्बिनेशन से बने हैं ये चिंकू एंड ये मिंकू, ठीक है। यानी कि हमको पता है, हमने पहले के क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि दो दो ऑर्गेनिज्म जब साथ में आते हैं और जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मैं अभी ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये देखो, ये चिंकू और मिंकू किसके प्रोजेनीज है, ये अपने मदर फादर के प्रोजेनीज है। इस अब एक्स वाई क्रोमोजोम्स क्या होते हैं वो आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये तो बात है ए सेक्सुअल सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें क्या हुआ कि ये चिंकू मिंकू ये अपने फादर से वापस आ रहे हैं, तो ये इसकी प्रोजेनीज थी, है ना। ये चिंकू मिंकू जो थे वो अपने फादर और मदर की क्या थी, प्रोजेनीज थी। अब अगर आगे बढ़े ना स्टूडेंट्स, इसमें आप आगे बढ़े तो हमको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलती है। अब रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं ना, कैरेक्टर्स का भी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी एक स्पीसीज है, एक ऑर्गेनिजम्स है, आइदर वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो अंडर आएंगे रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पे। कहीं कहीं जो अगर यूनिसेलुलर का केस देखें या फिर अगर प्लांट वगैरह का केस देखें, प्लांट में हालांकि अब वो जानेंगे बाद में, ठीक है, कहीं कहीं डीएनए कॉपी भी हमको देखने को मिलती है। अब ये डीएनए क्या होता है, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, डिओक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, डीएनए को। इसकी कॉपी भी कहीं पे हो जाती है, कहीं पे ब्लूप्रिंट, खुद के आइडेंटिकल चाइल्ड, एकदम ब्लूप्रिंट चाइल्ड वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चाइल्ड देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चाइल्ड देखने को मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों से क्या पता चल रहा है, इन सारी चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाती है ना। रिप्रोडक्शन लाती है क्या, जो मेन कारण होता है रिप्रोडक्शन का, वो लाता है वेरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि ये जो है रिप्रोडक्शन के ही कारण वेरिएशन आता है। हालांकि बहुत ही माइन्यूट हो या फिर बहुत ही मेजर हो, ये डिपेंड नहीं करता, बट वेरिएशन आती तो आती है। चाहे वहाँ पे डीएनए कॉपी ही क्यों ना हो जा रहा हो, लेकिन वहाँ भी क्या हो रहा है, आपको पता है वहाँ भी क्या होता है, वेरिएशन आता ही आता है। अब हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के केस से पहले हम लोग सेक्सुअल और ए सेक्सुअल मोड, जो कि दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, वन इज ए सेक्सुअल मोड एंड सेकेंड इज सेक्सुअल मोड। तो ए सेक्सुअल मोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ए सेक्सुअल मोड होता क्या है ना स्टूडेंट्स, चलो
रिप्रोडक्शन को हमने दो कैटेगरी पे दिखाई किया है, एक एसेक्सुअल है और दूसरा वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक एसेक्सुअल है दूसरा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे डीएनए का कॉपी हो जाता है, समझ सॉरी डीएनए कॉपी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या होता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है ना एक सिंगल पेरेंट जो है कैपेबल होते हैं अपने प्रोजेनीज के लिए, यहाँ पे जो है एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, मान लो कि पेरेंट इन्वॉल्व हो गया और वो जो है उसको बोलते हैं जो कि वो सेल होता है उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, पेरेंट सेल एक ही होगा, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट सेल एक ही होंगे और वो ही इतने कैपेबल होंगे कि अपने प्रोजेनीज को वो जन्म दे सके, तो वो क्या कहलाता है इसमें बोलते हैं उसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि मान लो कि ये जो है क्या है, ये मान लो ये मेरा एक प्लांट है, ठीक है, ये मेरा प्लांट है और ये क्या हो रहा है इसमें फ्लावर फ्रूट वगैरह आ रही है, तो यहाँ देख रहे हो कि फ्लावर के केस में भी क्या हो रहा है ना यहाँ पे, या फिर फ्लावर के केस में नहीं, ये प्लांट है अब इसे हम ग्राफ्ट करें लेयर करें तो इस टाइप से जो होता है यहाँ पे एसेक्सुअल मोड फॉलो होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ एक पेरेंट, एक सिर्फ पेरेंट जो है कैपेबल है, उसको हजारों पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली वन पेरेंट जो है, ओनली वन पेरेंट जो है यहाँ पे कैपेबल है एसेक्सुअल मोड्स में पैदा करने के लिए बच्चों को, है ना, ओनली वन कैपेबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन द केस ऑफ द एसेक्सुअल मोड। यहाँ पे जो है जनरली क्या होता है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा देखा जाता है एसेक्सुअल, ठीक है, हालांकि प्लांट में भी आपको ऐसा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एसेक्सुअल की भी बहुत सारी वैरायटीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे अंदर जा करके, पहले थोड़ा सा मैं सेक्सुअल बता दूं कि सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने चिंकू और मिंकू का एग्जांपल लिया जिसमें मदर और फादर दोनों ही थे वहाँ पे इन्वॉल्व और फिर जा करके चिंकू और मिंकू निकल बन रहे थे वहाँ पे, ठीक है, जो कि उनकी प्रोजेनीज थी, तो इस पर थोड़ी डिटेल बाद में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स की। सो हम लोग को थोड़ा सा डिटेलिंग होनी चाहिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप जो स्टूडेंट्स मैं तुम्हारे सामने सारी चीज़ें ये लिख करके दिखा रहा हूँ, मैंने कोई स्लाइड्स वगैरह यूज़ नहीं किया ताकि आपको भी क्लियरिटी अच्छी तरीके से आ सके, स्लाइड्स से तो हम रेगुलर पढ़ते हैं लेकिन अच्छी तरीके से क्लियरिटी लाने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो आप मेक श्योर कि आप मेरे साथ लिखते चलो, ठीक है। ये सेक्सुअल मोड मैंने आपको बता रखा है, इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट यहाँ पे क्या होता है ना इन्वॉल्व टू फॉर्म यंग वंस, है ना, टू फॉर्म यंग वंस, एक यंग अपने यंग वंस को बनाने के लिए ओनली सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और वो काम चल जाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, है ना स्टूडेंट्स। अब इसके कुछ टाइप्स आ जाते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, पहले टाइप्स देख लें स्टूडेंट्स। एक होता है बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, अब बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। अभी मैं बताऊंगा ये दोनों जो है स्टूडेंट्स ये एक एसेक्सुअल मोड के अंदर आते हैं जिसको बोलते हैं फिजन। पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके दो टाइप्स ऑफ आते हैं, फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन और सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन, ये दो टाइप के फिजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर बडिंग, ठीक है स्टूडेंट, बड बनता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा फिर बडिंग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, मेरे साथ लिखते चलेंगे ताकि आपका नोट्स भी बन जाएगा, बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको मे बी अवेलेबल ना हो पाए क्योंकि ये मैं सारी चीजें लिख के बता रहा हूँ। फ्रेगमेंटेशन, फिर है रीजेनरेशन, ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज रीजेनरेशन, नेक्स्ट वन इज रीजेनरेशन, तो ये नेक्स्ट वन आपका है रीजेनरेशन। देन आफ्टर स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, एंड देन आफ्टर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक और है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और लास्ट वन इज योर नथिंग बट लास्ट वन इज योर टिश्यू कल्चर। बस इतना ही पढ़ना है आपको और काफ़ी इतना देख करके डरना नहीं है, बहुत ही इजी सारे टॉपिक्स हैं,
चुटकियों में ही खत्म हो जाएंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले हम लोग फ्यूजन से स्टार्ट करेंगे, बडिंग में जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर। अभी हम सारा ही इतना इजी तरीके से मैं आपको इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ अभी ज्यादा मेहनत की है पढ़ने के लिए, ठीक है। सो अब क्या करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइड को इरेज करता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, और इस पे जो है मैं आप क्या करूंगा, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन वाले टॉपिक से मैं स्टार्ट करने वाला। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फ्यूजन। पहला जो मोड है, पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि आपके सिलेबस में, वो है फ्यूजन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। देखो स्टूडेंट्स, कोई फ्यूजन जो है कोई भी तोप चीज नहीं है। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते ना कि एक पेरेंट सेल है उसका बहुत सारे सेल्स में टूट जाना, है ना स्टूडेंट्स। एक फ्यूजन क्या है कि एक सिंगल सेल का जो है, फ्यूजन में क्या होता है, सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है टू फॉर्म डॉटर सेल, डॉटर सेल। इसे ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि देखो ये कोई भी एक क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट सेल, ठीक है। अभी मैं किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं ले रहा हूं, ये पहला है मेरा पेरेंट सेल, ठीक है। ये पेरेंट सेल क्या करेगा स्टूडेंट्स, या तो दो टुकड़ों में टूट जाएगा जिसको बाइनरी फ्यूजन के अंदर लाएंगे, या तो यही एक अकेला बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा, यही अकेला बहुत सारे टुकड़ों में क्या होगा, टूट जाएगा, जिसको मल्टीपल फ्यूजन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि एक पेरेंट सेल यहां पे है और वही क्या कर रहा है, एक से ज्यादा में भी टूट रहा है और एक में भी टूट रहा है स्टूडेंट्स। यानी कि कुल मिलाकर के एक जो पेरेंट सेल है वो खुद को तोड़ रहा है दो डॉटर सेल बनाने के लिए, खुद को तोड़ रहा है दो डॉटर सेल बनाने के लिए स्टूडेंट्स अंडर द फ्यूजन। फ्यूजन में क्या हो रहा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ये फ्यूजन देखने को मिलता है, और यहां पर क्या हो रहा है कि एक जो है ऑर्गेनिज्म वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है खुद को इन द डॉटर सेल्स। अब जहां पे जो स्टूडेंट्स, अगर एक याद रखना कि एक पेरेंट सेल अगर दो डॉटर सेल्स में, इसको याद रखना स्टूडेंट्स, डॉटर सेल्स बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, अगर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूटता है ना स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। एंड अनदर वन इज, अगर एक सेल, एक पेरेंट सेल ढेर सारे सेल्स में टूट जाए ना स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मल्टीपल फ्यूजन। काम वही है स्टूडेंट्स, एक पेरेंट सेल जो है दो टुकड़ों में टूट रहा है और एक पेरेंट सेल वाज डिवाइडिंग इनटू द मेनी सेल्स कॉल्ड द मल्टीपल फ्यूजन। अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलता है, कहीं आपको बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, कहीं पे आपको मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलता है। अगर आप बाइनरी फ्यूजन की बात करें ना स्टूडेंट्स, बाइनरी फ्यूजन जहां एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में टूट रहा है, तो ये आपको दिखेगा अमीबा के केस में, वो भी फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फेवरेबल कंडीशन में। और स्टूडेंट्स अगर अमीबा के ही साथ क्या करें, उसको अनफेवरेबल कंडीशन दे दे, अनफेवरेबल कंडीशन दे दे, तो वो मल्टीपल फ्यूजन करना शुरू कर देगा। हालांकि यहाँ पे प्लास्मोडियम भी आता है जो कि मलेरिया, आपका जो है मलेरिया कॉजिंग डिजीजेस है, वो यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन का काम करते हैं, ठीक है। सो अमीबा इन फेवरेबल कंडीशन का मतलब कि एकदम कंडीशन फेवरेबल है, उसके अनुकूल एकदम बहुत अच्छी कंडीशन है, तब तो वो मल्टीपल फ्यूजन नहीं करेगा फ्यूजन, वो क्या करेगा, एक सेल को दो डॉटर सेल्स में तोड़ेगा। लेकिन अब देखो अमीबा को अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिला, तो अपने ऊपर एक लेयर जमा लेगा, वो कहेगा उसको कैस्ट, और जैसे ही उसको कैस्ट उसने बना लिया, उसके अंदर करना शुरू करेगा मल्टीपल फ्यूजन, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा अमीबा को, वो सारे सेल को रिलीज कर देगा, और हैंस वो क्या कर जाएगा, मल्टीपल फ्यूजन। सेम इन द केस ऑफ प्लास्मोडियम, वो क्या करेगा, वो सारे सेल्स को वो छोड़ देगा। तो इसी टाइप से क्या हो गया, हमने फ्यूजन कंप्लीट किया। फिर से एक रिवाइज देता हूं कि फ्यूजन क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल का जो है डॉटर सेल्स में ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। और यहां क्या होता है, दो टाइप से, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टीपल। बाइनरी में क्या हो रहा है, एक दो में टूट रहा है, एक मल्टीपल में अगर टूट रहा है तो उसको मल्टीपल, दोनों में अमीबा आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव कॉर्नर के लिए भी है, इसे पूरी अच्छी तरीके से याद रखना। इस चैप्टर में कुछ भी रिडक्शन नहीं है, तो मैं इसे कॉम्पिटेटिव लेवल एनटीएससी लेवल से भी मैं तैयार करवा रहा हूँ इसको, ठीक है, फॉर बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई। स्टूडेंट्स बडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बडिंग है। बडिंग में क्या होता है कि जैसे कि वो क्या करते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है, ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड है, एसेक्सुअल मोड है। यहाँ पे मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म होगा, उसके आउटर ग्रोथ बड निकलना शुरू हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से आउट ग्रोथ निकलना स्टूडेंट, ठीक है, बोलना आउट ग्रोथ,
यानी कि शरीर से बाहर क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, आउट ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और उसको हैंस बोलते हैं कि वो उसके बड़ बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं? उसके बड़ बन रहे हैं। मान लो ये पेरेंट सेल है या फिर पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या बन जाएगा? उसका बड़। और बड़ ही बाद में जाकर के टूट करके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये बडिंग जो है, ये अनदर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जहां पे क्या कर रहा है, एक पेरेंट इंडिविजुअल के आउटर ग्रोथ हो रहे। इसे हम लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स कि इफ इन अ पेरेंट सेल देयर एन आउट ग्रोथ ऑकर्स एंड देन इट कन्वर्टेड इन टू द बर्ड, देन इट विल बी कॉल्ड एज बडिंग। देखो, बर्ड से आया स्टूडेंट्स बडिंग, ठीक है, बर्ड से स्टूडेंट्स आया बडिंग, और उसमें क्या होता है, एक आउट ग्रोथ हो जाता है बॉडी के बाहर पेरेंट सेल के, और वो क्या फिर डेवलप कर जाता है एक डॉटर सेल में। स्टूडेंट्स, डॉटर सेल में वो डेवलप हो जाएगा और उसी को कहते हैं हम लोग हैंस बडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल के आगे आउट ग्रोथ हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, ईस्ट का एग्जाम्पल लो। ईस्ट क्या करते हो स्टूडेंट्स, केक बेकरी में यूज होता है, आप यूज करते हो उसका, और वो क्या करता है, खुद को मल्टीपल क्या कर देता है, अपने ऊपर आउटग्रोथ बनाता है और पूरी तरह से फैल जाता है। इसको आप लोग मल्टीपल फ्यूजन मत समझ लेना, वो आउटग्रोथ बनाता है और करता है स्टूडेंट्स बडिंग। बडिंग अच्छी तरीके से हाइड्रा के भी केस में देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। आपसे प्लांट के केस में पूछा जाए तो आप हाइड्रा का नाम बताओगे, हाइड्रा कुछ इस टाइप का होता है स्टूडेंट्स, और इस टाइप से उसके कुछ इस बड्स निकल जाते हैं, और फिर बड्स ये टूट जाते हैं, और फिर वो जो है डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डॉटर में कन्वर्ट हो जाता है पेरेंट प्लांट का। सो ये जो बडिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से ईस्ट एंड हाइड्रा के केस में आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है ये बडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बात रही बडिंग की, अब नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड क्या होगा, चलिए देखते हैं। दैट विल बी आवर फ्रेगमेंटेशन। देखो स्टूडेंट्स, अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, आपका ये नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मान लो कोई भी ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इसके जो है सेल्स टूट रहे हैं इंटू फ्रेगमेंट्स, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, या बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू फ्रेगमेंट्स। लिखो मेरे साथ कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू फ्रेगमेंट्स टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल, या फिर अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को वहां पे पैदा करते हैं। क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्टूडेंट्स खुद के सेल्स को। अब इसका जो बहुत ही अच्छा तरीके से अगर एग्जाम्पल लेना स्टूडेंट्स, तो मान लो स्टूडेंट्स कि ये जो है ये स्पायरोगायरा का सेल है। ये स्पायरोगायरा का सेल देखोगे तो स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है स्टूडेंट्स स्पायरोगायरा के, ठीक है, कुछ इस टाइप से करके इसमें न्यूक्लियस होते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं है, जो उसके जो है इस टाइप से स्ट्रक्चर रहते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट ऐसे टूटेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा स्टूडेंट्स। हर एक फ्रेगमेंट ऐसा टूटेगा और एक नया ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करेगा स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा में डेवलप हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पेरेंट सेल जो है यहाँ पे भी टूटने का काम हो रहा है, लेकिन टूट कैसे रहा है, फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है। देख सकते हो स्पायरोगायरा के जो सेल्स हैं ये फ्रेगमेंट्स में टूट करके, और एक हर टूटा एक फ्रेगमेंट्स में एक उसका न्यूक्लियस होगा, सो वो क्या कर पाएगा स्टूडेंट्स, खुद से फॉर्म कर पाएगा। मान लो कि ये स्पायरोगायरा नया स्पायरोगायरा फॉर्म हुआ, एक नया स्पायरोगायरा फॉर्म हुआ, ऐसे करके फ्रेगमेंट्स में वो टूट करके न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते रहता है स्टूडेंट्स। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं। तो नेक्स्ट अप जो है स्टूडेंट्स, इसे अगर आपने समझ लिया है तो थम्स अप दो, नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड करो और फिर से समझो इस वीडियो को। और अब देखते हैं रीजेनरेशन, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो रीजेनरेशन है इससे आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी होंगे। आपने ये रीजेनरेशन का केस, आपने कभी लिजार्ड का टेल देखा है स्टूडेंट्स, लिजार्ड का टेल देखा है कभी? लिजार्ड का अगर टेल जो है वो कट जाता है ना स्टूडेंट्स, तो लिजार्ड का जो टेल वापस भी आ जाता है। तो ये किसका काउज है स्टूडेंट्स, ये रीजेनरेशन का काउज है कि वो पूरा का पूरा बन रहा है। लेकिन लिजार्ड का अगर कोई और पार्ट बॉडी का कट जाए तो वो रीजेनरेट नहीं होता है, है ना, रीजेनरेट नहीं होता है। बट ये जो रीजेनरेशन है ना स्टूडेंट्स, लाइक एक अमरता का वरदान दे देता है। यानी कि अगर हम केस बात करें हाइड्रा की, और स्पेशली जो है यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे प्लैनेरिया की बात करेंगे स्टूडेंट, जो कि रीजनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स। ये प्लैनेरिया क्या करता है ना,
अपनी जो है ब्रेक डाउन कर लेता है अपने फ्रेंड्स सॉरी अपने आप को क्या करता है ये देख लो। अगर मैं मान लूँ कि ये प्लेनेरिया का सेल है, ठीक है, ये एक प्लेनेरिया का सेल है। अब मैं इसे यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, जहाँ सेल नहीं है वहाँ से भी काटूँ, तो ये क्या करेगा, हर एक पार्ट यानी कि मैं मान लूँ कि ये बॉडी है, ये हेड है, ये टेल है, तो इसका ये हेड काटूँ तो वो जनरेट हो जाएगा, ये टेल काटूँ या फिर ये हैंड्स काट दूँ तो भी ये जनरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्लेनेरिया के केस में ऐसा है, सेम इन द केस ऑफ हाइटा, कहीं से भी काटो स्टूडेंट्स ये जनरेट कर देता है, रीजनरेट कर देता है खुद को स्टूडेंट्स, ठीक है, रीजनरेट कर लेता है ये खुद को, यानी कि ये सब कहीं से भी काटो ये खुद को क्या कर देता है, ऐसी कैपेसिटी है कि खुद को रीजनरेट कर सकता है, यानी कि ऐसी कैपेसिटी जहाँ पे हम लोग खुद को रीजनरेट कर पाते हैं, दैट इज रीजनरेशन। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आपको ओनली यूनिसेलुलर या फिर बैक्टीरिया में देखने को मिल सकता है, ठीक है, ज़्यादातर। चलिए देखो स्टूडेंट्स, अब जो है आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पोर फॉर्मेशन में क्या करते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग द स्पोर्स, स्पोर्स का फॉर्म होता है कुछ इस टाइप से, ऐसे ऐसे स्पोर्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्या भरे हुए रहते हैं, उसके ऑर्गेनिजम्स भरे हुए थे स्टूडेंट्स। आपने नाम सुना होगा राइजोपस फंगस का, राइजोपस फंगस जो कि ब्रेड के ऊपर लग जाता है, ब्रेड के ऊपर जो लग जाता है राइजोपस फंगस, वो क्या होता है, वो दैट इज स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसमें क्या करता है ना, वो अपने ऊपर एक स्पोर्स को डेवलप करता है, अपने ऊपर क्या करता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया बोलते हैं स्टूडेंट, स्पोरेंजिया इसको बोलते हैं, और इसमें क्या करता है, ये ढेर सारे स्पोर को भर लेता है, और जैसे ही ये बाद में स्पोर फटता है ये वापस ब्रेड पे गिरेगा या कोई सरफेस पे गिरेगा स्टूडेंट्स, और फिर ये वहाँ से जनरेट हो जाएगा, न्यू फिर से जनरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो इससे देख पा रहे हो इससे क्या हो, हमें पता चल रहा है कि इससे हमें क्या पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोरेंजिया यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो राइजोपस नामक फंगस जो है, फंगाई जो है, वो क्या कर रहा है, अपने तो पहले स्पोरेंजिया हमें बहुत सारे स्पोर्स को भर रहा है, उसके बाद वो रिलीज कर रहा है। सो दैट इज द काउज ऑफ वन ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, प्लांट जो है अपने वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, वेजिटेटिव पार्ट का यूज करेंगे, रूट स्टेम का यूज करेंगे और लीव्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, रूट स्टेम और लीव्स का स्टूडेंट्स ये यूज करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अब ये जो है इसके वेजिटेटिव पार्ट्स है और इसकी मदद से वो क्या कर पाते हैं, प्रोपगेट कर पाते हैं। मान लो स्टूडेंट्स कि ये जो है क्या है, कोई रूट है तो रूट से जनरेट हो जाएगा, दैट इज शूट है तो शूट से जनरेट हो जाता है, अदर लीव्स में भी क्या होता है, बल्ब फॉर्म होकर के दैट इज एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, दो टाइप्स हो सकता है, एक नेचुरली भी हो सकता है और एक आर्टिफिशियली भी हो सकता है। तो नेचुरली अगर हो रहा है सो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये नेचुरल है, ठीक है। अब एक आर्टिफिशियल मोड भी आ जाता है, आर्टिफिशियल मोड भी हो जाता है स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लेयरिंग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग पढ़ते हैं एंड क्या पढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, दैट इज हम लोग पढ़ते हैं लेयरिंग पढ़ते हैं, ग्राफ्टिंग पढ़ते हैं और कटिंग पढ़ते हैं स्टूडेंट। कटिंग अगर रोज के प्लांट में देखे होंगे तो रोज को काट देते हैं और फिर नई जगह लगा देते हैं, तो उसको कटिंग बोल देते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स कि दो स्टॉक लेके आते हैं, एक में जड़ रहना चाहिए एक प्लांट में, और एक जो दूसरा प्लांट लाते हैं जिसमें कि उसके शूट को काटा गया, तो एक को बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं नीचे वाले को, और जो लाया गया है लगाने के लिए उसको बोलते हैं सिकॉन, और ये दोनों को जोड़ करके ग्राफ्टिंग किया जाता है। और लेयरिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत जगह खींच लिया जाता है, मान लो कि जैसे कि डालिया का पौधा है तो उसे क्या किया जाता है, उसको खींच लिया जाता है काफ़ी जो फ्लेक्सिबल पौधे है, और उससे एक न्यू फिर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये आ जाता है अंदर द लेयरिंग। सो आर्टिफिशियल मोड के अंदर आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तीन मेथड, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। आई होप ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टिश्यू कल्चर, लास्ट टाइप ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, टिश्यू ले आते हैं। आपने पढ़ा होगा टिश्यू क्या होता है, किसी भी चीज़ से अगर सेल का ढेर सारा ग्रुप है उसको टिश्यू बोलते हैं। किसी भी प्लांट से हमने टिश्यू को लाया और ऐसे लेबोरेटरी में ले गया और पेट्री डिश में हमने उसको फेवरेबल कंडीशन दिए और उसको एक ग्रोथ करने का मीडियम उसको बना दिया, और वहाँ से जो हम लोग को छोटे छोटे पौधे मिल जाते हैं और फिर जा करके हम उसको मिट्टी में लगा देते हैं और फिर एक न्यू पौधे हमको मिल जाते हैं, और दैट इज कम्स अंडर द टिश्यू कल्चर। यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, टिश्यू, यहाँ पे हम लोग कोई बड़े बड़े पार्ट्स का यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ प्लांट गया हमने उसको थोड़ा सा खरोचा और उससे लेके आया हमने टिश्यू को लाया लेबोरेटरी में,
पेट्री डिश में डाल करके फेवरेबल कंडीशन न्यूट्रिएंट्स के अंदर डाला, जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ उसको अनदर पेट्री डिश जिसमें और भी ज़्यादा अच्छे फेवरेबल कंडीशन वाटर वगैरह हो उसमें डाला, और वहाँ जो है धीरे धीरे वो ग्रोथ करना शुरू कर जाएगा। और जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा पौधा, जैसे ही जमीन में लगने लायक हो जाता है तो उसको निकाल करके जमीन में लगा दिया जाता है। और हेंस दैट इज अ टिश्यू कल्चर। यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग जस्ट टिश्यू का यूज़ करें, टिश्यू का यूज़ करें प्लांट का, इसीलिए इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। यहाँ टिश्यू का यूज़ करके हम लोग पूरे बड़े बड़े प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टीक ट्री का लिए कर सकते हैं, बनियान वगैरह सबके लिए ये एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे जो है अनदर एसेक्सुअल मोड काम नहीं करता है, तो वहाँ पे टिश्यू कल्चर से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। यानी कि छोटे पार्ट से ही हम बहुत बड़े बड़े प्लांट का हम लोग यहाँ फॉर्मेशन कर पाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही था आपका ऑल अबाउट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार रिवाइंड करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे डीप से, ठीक है। चलिए अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अब इंट्रोडक्शन पार्ट पे पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सेक्सुअल को भी समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ, ठीक है।